हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। तो आज हम लोग वर्ड पावर के चौथे एपिसोड में हम लोग पहुंच गए हैं। तो आज हम लोग वर्ड पावर का फोर्थ एपिसोड या फोर्थ वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स होता है टू ऑफिशियली इंड अ लॉ। टू ऑफिशियली इंड अ लॉ, ऑफिशियली इंड अ लॉ, कानून के द्वारा नियम को समाप्त करना होता है। एबॉलिश टू ऑफिशियली इंड अ लॉ। अब हम इस एबॉलिश वर्ड के सिनोनिम्स को देखेंगे। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? एबेट, इरेडिकेट, प्रोहिबिट, एब्रोगेट, एक्सटर्मिनेट, सबवर्ट, एनिहिलेट, एक्सटर्पेट, रिपील, सप्लांट, एनुअल, नलिफाई, डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, रिवोक और सेट ए साइड। तो इतने वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं एबॉलिश वर्ड के। एबॉलिश मीन्स होता है टू ऑफिशियली कैंसिल या एंड बाय लॉ, कानून या कानून के द्वारा किसी नियम को समाप्त करना हो, तो वो होता है एबॉलिश। अब एबॉलिश के इतने सिनोनिम्स हैं, एबेट है, रेडिकेट है, ब्रोगेट है, एक्सटर्मिनेट है, सबवर्ट है, बहुत सारे हैं। लेकिन अब इसमें से मैं आपको वो बताऊंगा कि जो वास्तव में जो एग्जाम में रियलिटी में पूछा जाता है बहुत ज़्यादातर, जैसे कि एबेट, एबेट इम्पॉर्टेंट है, इरेडिकेट इम्पॉर्टेंट है, प्राइवेट चीप वर्ड है ये, एब्रोगेट इम्पॉर्टेंट है, सबवर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, एनिहिलेट भी इम्पॉर्टेंट है, एक्सटर्पेट भी इम्पॉर्टेंट है, रिपील भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सप्लांट भी, नलिफाई, ऑब्लिटरेट, रिवोक सबसे ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में, सेट एसाइड एक फ्रेज के रूप में पूछा जाता है, सेट एसाइड। तो इतने इंपॉर्टेंट्स वर्ड हैं जो सिनोनिम्स हैं एबॉलिश के, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर अब कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो डियर, एबॉलिश के इतने सारे सिनोनिम्स हो गए। अब हम एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे जो इंपॉर्टेंट्स वर्ड्स हैं। एबेट, ये मेरे फर्स्ट वीडियो में वर्ड पावर के आया था। एबेट मीन्स होता है टू बिकम लेस स्ट्रांग, टू बिकम लेस स्ट्रांग, कमजोर कर देना होता है। एबेट कमजोर कर देना या कम कर देना। एग्जाम्पल, द स्टॉर्म शोड नो साइंस ऑफ एबेटिंग, द स्टॉर्म शोड नो साइंस ऑफ एबेटिंग। तो एबेट मीन्स होता है टू बिकम लेस स्ट्रांग या बिकम वीकर, कमजोर कर देना, या टू मेक वीकर, ए बेट होता है वो। सेकेंड वर्ड है हमारा इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन्स होता है टू डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ समथिंग कम्प्लीटली, पूरी तरह या जड़ से खत्म कर देना, इरेडिकेट होता है। टू डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ, टू डिस्ट्रॉय समाप्त कर देना या नष्ट कर देना, आर गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, समथिंग कम्प्लीटली पूरी तरह से, इरेडिकेट होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वी आर डिटरमाइंड टू इरेडिकेट, वी आर डिटरमाइंड टू इरेडिकेट रेसिज्म टू आवर स्पोर्ट। तो इरेडिकेट मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ समथिंग कम्प्लीटली, पूरी तरह से समाप्त कर देना, वो होता है हमारा इरेडिकेट। नेक्स्ट सिनोनिम्स था एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है टू ऑफिशियली इंड अ लॉ आर एन एग्रीमेंट, टू ऑफिशियली इंड अ लॉ आर एन एग्रीमेंट, किसी लॉ को समाप्त कर देना होता है ऑफिशियली, जो एब्रोगेट भी होता है वही रिपील होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनीहिलेट। एनीहिलेट होता है तो टू डिस्ट्रॉय समबडी समथिंग कम्प्लीटली, पूरी तरह से नष्ट कर देना होता है, वो होता है एनीहिलेट। एग्जाम्पल, द ह्यूमन रेस हैज़ इनफ वीपन्स टू एनीहिलेट इनसेल्फ। ह्यूमन रेस, मानव जात के पास पर्याप्त रूप से ऐसे वीपन्स हैं कि जो वो स्वयं को, अपने को नष्ट कर सकते हैं।
तो एनिहिलेट मीन्स होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, और एब्रोगेट का होता है ऑफिशियली कैंसिल या ऑफिशियली एंड ए लॉ आर एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट सिनोनिम्स था हमारा एक्सटायरपेट। एक्सटायरपेट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा भी जाता है क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफेस्ट है, जो कि हम बार बार इसको पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। एक्सटायरपेट होता है टू डिस्ट्रॉय आर गेट रिड ऑफ समथिंग दैट इज बैड आर नॉट वॉन्टेड। जो कुछ भी बैड है या जो कुछ भी नॉट वॉन्टेड, जो कुछ भी हम नहीं चाहते हैं उसको समाप्त कर देना होता है या उससे छुटकारा पाना होता है, वो होता है एक्सटायरपेट। या जिसे हम डिसलाइक करते हैं वो होता है एक्सटायरपेट। जिसे हम डिसलाइक करते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देना, गेट रिड ऑफ कर देना, वो होता है एक्सटायरपेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपील। रिपील मीन्स होता है टू स्टॉप और रूल और ला। टू स्टॉप और रूल आर ला, समाप्त कर देना किसी नियम अथवा कानून को। तो जो एब्रोगेट था वही हमारा रिपील है, चाहे रिपील कहिए चाहे एब्रो गेट कहिए, दोनों सेम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नलीफाई। नलीफाई मीन्स होता है टू मेक समथिंग लॉस इट्स इफेक्ट आर पावर। इफेक्ट और पावर को लॉस कर देना या समाप्त कर देना, वो होता है नलीफाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मीन्स होता है टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग। सभी साइंस को रिमूव कर देना, वो होता है ऑब्लिटरेट। एग्जाम्पल, द बिल्डिंग वॉज ऑब्लिटरेटेड बाई द बम। द बिल्डिंग वॉज ऑब्लिटरेटेड बाई द बॉम्ब। तो ऑब्लिटरेट मीन्स होता है टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग, मीन्स किसी चीज को हटाना और उसके समस्त, मतलब कि समस्त ऑल साइंस को हटा देना जिससे पता ना चले कि वो वस्तु वहां पर थी या वो प्लेस वहां पर था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवोक। रिवोक मीन्स होता है काफी इंपॉर्टेंट से, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी, और एंटोनिम सिनोनिम से पूछा जाता है। तो रिवोक का एक्सप्लेनेशन है, द टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग सो दैट इट इज नो लॉन्गर वैलिड। ऑफिशियली किसी चीज को समाप्त कर देना जो ज्यादा, सो दैट, ताकि इट इज नो लॉन्गर वैलिड। तो ऑफिशियली किसी चीज को समाप्त कर देना, वो होता है रिवोक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेट एसाइड। सेट एसाइड मीन्स होता है टू रिजेक्ट और कैंसिल। सेट एसाइड मीन्स होता है, अगर हम हिंदी भावार्थ की बात करें डियर, तो सेट एसाइड मीन्स होता है रद्द कर देना, टू रिजेक्ट और कैंसिल। तो इसमें हम लोगों ने एबॉलिश को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद हम लोगों ने एबॉलिश के जितने भी सिनोनिम्स थे उसको मैंने, इम्पोर्टेंट्स जो थे उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करके देखा। एबॉलिश मैंने बताया क्या, टू ऑफिशियली इंडेला। सिनोनिम्स क्या था, एबेट था, इरेडिकेट इम्पोर्टेंट था, एब्रोगेट था, एक्सटर्मिनेट था, सबवर्ट था, एनिहिलेट था, एक्सटायरपेट था, रिपील था, सप्लांट था, एनुअल था, नलीफाई था, डिस्ट्रॉय, ऑब्लिगेट, रिवो गया, सेट एसाइड। ये इतने वर्ड्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन करके देखा। ये देखिए मैंने आपको अभी पढ़ाया, एबेट क्या होता है एग्जाम्पल, इरेडिकेट को एक्सप्लेन किया गया, एब्रोगेट, एनिहिलेट, एक्सटायरपेट, रिपील, ऑब्लिटरेट, रिवोक, सेट एसाइड। अब अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स में है ऑथराइज करना, इस्टेब्लिश करना, रिवाइव करना, चेरिश करना, रिन्यू करना, सस्टेन करना, लीगलाइज करना या इनेक्ट करना। इनेक्ट मीन्स होता है लागू करना। तो इतने वर्ड्स उनके एंटोनिम्स हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोमिनेशन। एबोमिनेशन मीन्स होता है अ थिंग दैट कॉजेज डिस्गस्ट आर हेट्रेड और इज कंसीडर्ड एक्सट्रीमली ऑफेंसिव। वो चीजें जो जिस कारण बनती हैं डिस्गस्ट आर हेट्रेड या नफरत का कारण बनती हैं, जो कि ऑफेंसिव होती हैं, जिन्हें माना जाता है कंसीडर्ड एक्सट्रीमली ऑफेंसिव। एबोमिनेशन लगभग ये हेट से रिलेटेड है, हेट या डिसगस्टिंग या ऑफेंसिव से रिलेटेड है, एबोमिनेशन उसी को बोला जाता है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो एबोरेंच।
एबोरेंस मींस होता है टू हेट समबडी, कर्स, डिटेस्ट, शेम, डिसगस्ट, इनइक्विटी, एवर्जन, इविल, न्यूसांस, ऑफेंस, ये इतने वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम्स। अब इसमें से मैं आपको बताऊंगा कौन से वर्ड्स जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो हो गया एबोर, डिटेस्ट, डिटेस्टेशन, शेम, एवर्जन, न्यूसांस। ये इतने वर्ड्स हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब हम लोग इसको देखेंगे। एबोरेंस क्या होता है? एबोरेंस होता है अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग हैट्रेड, अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग हैट्रेड स्पेशली फॉर मोरल रिलेशंस, स्पेशली फॉर मोरल रीजंस, सॉरी। तो एबोरेंस क्या होता है? फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग हेटेड स्पेशली फॉर मोरल रीजंस, मोरल रीजंस के कारण किसी को हेट करना होता है, वो एक फीलिंग्स होती है, वो स्ट्रॉन्ग हेटेड एक फीलिंग होती है मोरल रीजंस के कारण। एबोर मीन्स होता है टू हेट या नफरत करना। और डिटेस्ट मीन्स क्या होता है? टू हेट समबडी समथिंग वेरी मच, समबडी समथिंग को बहुत ज़्यादा नफरत करना या घृणा करना, टू हेट। एग्जाम्पल, दे डिटेस्टेड, वे नफरत करते थे या उसने नफरत किया, दे डिटेस्टेड ईच अदर, एक दूसरे से। तो डिटेस्ट मीन्स होता है टू हेट समबडी समथिंग वेरी मच। अगला वर्ड है हमारा शेम। शेम होता है द फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी फील करना है, फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड एम्बैरेसमेंट, वो होता है शेम। एग्जाम्पल, हिज फेस बर्न्ड विथ शेम, उसका चेहरा एम्बैरेस्ड के साथ या शेम के साथ बर्न जल गया। अगला सिनोनिम्स था हमारा न्यूसांस। न्यूसांस है, न्यूसांस क्या होता है? अ थिंग, पर्सन आर सिचुएशन दैट इज एनोइंग आर कॉजेस ट्रबल और प्रॉब्लम्स। कोई पर्सन या थिंग्स या कोई परिस्थिति या सिचुएशंस हो जो कारण बनती है ट्रबल, मुसीबत और समस्याओं का, वो होता है न्यूसांस। अगर न्यूसांस की एग्जैक्ट बात की जाए मीनिंग की, न्यूसांस में होता है बाधा। एग्जाम्पल, आई होप यू आर नॉट मेकिंग अ न्यूसांस और योर सेल्फ, आई होप मैं आशा करता हूँ यू आर नॉट मेकिंग अ न्यूसांस, एक बाधा आप योर सेल्फ। तो न्यूसांस मीन्स होता है बाधा डालना या बाधा होना, चाहे थिंग हो, चाहे पर्सन हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, अगर उसमें कोई ट्रबल या प्रॉब्लम्स आती है तो वो होता है न्यूसांस। तो ये हम लोगों ने वर्ड्स सिनोनिम्स देखे थे। अब हम लोग इसके एंटोनिम्स की बात करें। तो एंटोनिम्स में है अफेक्शन, डिलाइट, इस्टीम, अप्रूवल, ग्रेटिफिकेशन या ट्रीट। अफेक्शन मीन्स होता है लगाव, समथिंग दैट इज वांटिंग वेरी मच। तो आज हम लोगों ने इस फोर्थ वीडियो में लगभग दो वर्ड्स को लेकर हमने बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड देखे, और सिनोनिम्स में जो चीज जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने एक्सप्लेन करके देखा। तो हम लोग एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो पहला वर्ड था हमारा, अगर हम वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड जो हम लोग पढ़े थे वो था हमारा एबॉलिश। एबॉलिश से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने देखा एबॉलिश क्या होता है, टू ऑफिशियली इंडेला। फिर हम एबॉलिश के हम लोगों ने सिनोनिम्स को देखा। उसके बाद हम लोगों ने सिनोनिम्स में मैंने बताया कि कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एबेट था, इरेडिकेट था, एब्रोगेट था, एक्सटर्मिनेट था, एनिहिलेट था, एक्सटायरपेट था, नलीफाई था, डिस्ट्रॉय था, ऑब्लिटरेट था, रिवोक था, सेट असाइड था। तो हम लोगों ने इस वर्ड को एक्सप्लेन करके देखा। उसके बाद हम लोगों ने इसके एंटोनिम्स को देखा, ऑथराइज, एस्टेब्लिश, रिवाइव, चेरिश्ड, सस्टेन, लीगलाइज, इनएक्ट। फिर हमारा सेकंड वर्ड था एबॉमिनेशन। एबॉमिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने आपको सिनोनिम्स बताया। उस सिनोनिम्स में वो सिनोनिम्स मैंने बताया जो काफ़ी ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट्स हैं। उसके बाद मैंने इसको एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन किया जो इम्पोर्टेंट्स थे, जैसे एबोरेंस हो गया, डिटेस्ट हो गया, सेम हो गया,
न्यूसांस हो गया, एंटोनिम्स न्यूसांस हो गया, उसके बाद हम लोगों ने उसके एंटोनिम्स की बात की। तो आज हम लोग फोर्थ वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वर्ड पावर के 5वें नंबर वीडियो में या 5th वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल नेम प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। नमस्कार।